जय हिंद जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बताएंगे कि एलकेडी क्लासेस ऐप कैसे गूगल प्ले से डाउनलोड करना है और कैसे उसको यूज करना है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाकर वहां पर एलकेडी क्लासेस टाइप करेंगे। ये देखिए, और ये आपका यहाँ पर आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला, ये एलकेडी क्लासेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इसमें पहले से इंस्टॉल है तो आपका ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ जाकर आप ज़रूर इसको रिव्यू कर देंगे। यहाँ पर रिव्यू में जाकर 5 स्टार है, उसको क्लिक कर देंगे। और चलिए इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपका आएगा स्टूडेंट टीचर एडमिन, और आप स्टूडेंट जो आपका पहला वाला है उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका इस तरह से लॉगिन करने के लिए बोलेगा, फ़ोन नंबर पासवर्ड मांगेगा। लेकिन आपका तो रजिस्टर हुआ नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका क्या आएगा, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड। आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, आप नेम में नाम भर देंगे, अपना नाम भर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर आपका अभिषेक भर दीजिए हम। और ईमेल है, जैसे ईमेल में डाल दिया हमने, ठीक है। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आप अपना डाल दीजिए। और पासवर्ड 6 अक्षर का आपको पासवर्ड इसमें आपको डाल देना है, 6 अक्षर का होना चाहिए वो। 3636 3636 इसको आप दोबारा कंफर्म कीजिए। 3636 3636 आप कुछ भी 6 अक्षर का पासवर्ड आप दे सकते हैं इसमें, हो गया। आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, और ये पहले से चूंकि रजिस्टर्ड है इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिख रहा है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद, यहाँ से रजिस्टर करने के बाद हम लोग क्या आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे, लॉगिन पा जाएंगे। यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दीजिए जो हमने उसमें डाला था, और पासवर्ड जो था वो हम डाल दे रहे, जो मेरा पासवर्ड होगा वो पासवर्ड हम डाल देंगे। तो पासवर्ड हम चेंज कर चुके हैं, जो आपका पासवर्ड होगा वो आप डाल देंगे, फिर लॉगिन कर देंगे। आपका इस तरह से खुल जाएगा, इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये अलग अलग क्लासेस है, ये तो एलकेडी क्लासेस पूरा कोचिंग का दिया हुआ है, ये नौकरी वाला बैच है। ये क्लास 8 है आपका, फिर क्लास 9 है, फिर 10, क्लास 12, क्लास 11, और इसके अंदर में आपके इसके सब सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ दिया हुआ है सेलेक्ट, तो जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, चूँकि अभी फ्री है अतः यहाँ 0 दिखा रहा है, जब ये पेड होगा तो यहाँ पैसा दिखाएगा, तो आपको परचेज करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा। तो जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसी का ये आपका सब काम करेगा, उसी बेस का सब दिखाएगा। जैसे कि हम अगर ये 8वां क्लास का सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ सेलेक्टेड लिखेगा। हमेशा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जिस क्लास में हम हैं वही सेलेक्ट है ना, दूसरा रहेगा तो फिर आप या तो नहीं खुलेगा पेड रहेगा तो, या आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो जिस क्लास के हैं वो आप चेक कर लेंगे कि आपका वो सेलेक्टेड है। उसके बाद आप ये टेस्ट, डेली क्विज, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, ये सब आप यूज कर पाएंगे। आप हर क्लास का ये आपका जो है ये सब पूरा अलग अलग होगा। 9th क्लास के पूरा अलग होगा, ये जो जितना आइकॉन है, 10th क्लास का अलग होगा, 11th का अलग होगा, नौकरी का अलग होगा, 12th क्लास का, सबका आपका ये जो होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है आपका, ये वाला जो, ये प्रत्येक क्लास के अनुसार ये आपका चेंज कर जाएगा। 8वां क्लास सेलेक्ट करेंगे तो 8वां का स्टडी मटेरियल दिखाएगा, 9th क्लास सेलेक्ट करेंगे तो 9th का स्टडी मटेरियल हमको दिखाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार इसको यूज कर सकते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ 3 बटन है, यहाँ जाकर आप ये अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लाइव क्लासेस है वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ वो आ जाएगा आपका, जब वो आपका लाइव क्लास यहाँ से किया जाएगा। इस प्रकार आप इसको यूज कर सकते हैं, चूँकि अभी फ्री है अतः आपको पैसे नहीं देने हैं। और धीरे धीरे इसमें सभी चीज़ इसमें अभी अपलोड कर दिया जाएगा, अभी आपको सिर्फ इसको डाउनलोड कर लेना है। धन्यवाद।